में 19 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठा ठेकेदार संगठन अब 23 सितंबर को सरकार के खिलाफ जिले में महाक्रोश रैली निकालेगा। दरअसल ठेकेदार संगठन बड़ी निविदाओं को छोटी छोटी निविदाओं में बदलने समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर 1.5 महीने से धरने पर है। इस दौरान ठेकेदार संगठन ने 55 निविदाओं का भी बहिष्कार किया। संगठन की मांग है कि मूल निवास को ठेकेदारी में अनिवार्य कर देना चाहिए और उन्हीं ठेकेदारों को निर्माण कार्य करवाने का जिम्मा देना चाहिए जो उत्तराखंड वासी हो। अब ऐसे में ठेकेदार संगठन ने 23 सितंबर को महाक्रोश रैली निकालने की भी चेतावनी दी है। और देखिए, ठेकेदार संगठन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 19 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर धरना किया जा रहा है। 1.5 महीने से ठेकेदार संगठन धरने पर बैठा है। अब जो हमारा आंदोलन जो प्रदेश संगठन जो आदेश दिया है वो 23 तारीख को हमारी महा रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये जिले में सब जगह होगी। प्रदेश के जितने भी जिले हैं 23 तारीख को 11 बजे प्रांतीय खंड परिसर से एक रैली निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन दिया जाएगा। आज निविदा थी, हमने पूरा बहिष्कार कर दिया, कोई निविदा नहीं रहता। सारे ठेकेदार प्रदेश में जो भी है सारे बहिष्कार कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, मूल लोग हैं, उनको जो है काम मिले। ये 10 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ ये निविदाएं हटनी चाहिए और स्थानीय लोगों को, मूल लोगों को काम मिलना चाहिए। ये भारी लोग नहीं आने चाहिए। वोट हम देंगे और काम करने बाहर वाले आएंगे। ये क्या कहा है? हम प्रदेश संगठन के आह्वान पे 23 तारीख को एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं। ये महारैली पौड़ी ही नहीं, उत्तराखंड के 13 जनपदों में जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। पूर्व में 1.5 माह से हम लोग हड़ताल पे हैं, निविदाओं का बहिष्कार है। आज 44 निविदाएं जिला योजना की और प्रांतीय खंड में और 11 निविदाएं आपकी निर्माण खंड में लगी थी, जिनका कि सभी ठेकेदारों ने एकजुट होके बहिष्कार किए हैं। 55 के 55 कामों को अभी हमने बहिष्कार कर दिए हैं और ऐसे ही हमारा अन्य डिवीजनों में भी बहिष्कार चल रहा है।